आज है सुष्मिता सेन का बर्थडे और इस डायनामिक वुमन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देगी। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ हैदराबाद में। सुष्मिता सेन के पिता एयरफोर्स में थे और उनकी माँ एक ज्वेलरी डिजाइनर है। सुष्मिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई 8 तक हिंदी मीडियम से की थी। वैसे तो सुष्मिता पढ़ाई में काफी अच्छी थी, पर जब वो 9th में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुई तो वो एग्जाम्स में फेल हो गई। फिर उनके टीचर्स ने उनको दोबारा एक मौका दिया और उन एग्जाम्स में सुष्मिता ने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए। सुष्मिता कुछ 14 साल की थी जब राकेश शर्मा इंडिया के पहले इंसान बने थे जो स्पेस में गए थे, और उस मोमेंट को उनकी पूरी फैमिली टीवी पर देख रही थी। तब सुष्मिता ने अपने पिता से पूछा कि ये कौन है, तो वो इतने इमोशनल थे कि उन्होंने बस कहा कि ही इज फेमस। तब से सुष्मिता की भी इच्छा थी कि वो फेमस बने। सुष्मिता सेन अपने आप को खूबसूरत नहीं मानती थी जब वो मिस यूनिवर्स जीती। तब तक सुष्मिता मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। सुष्मिता ने कहा कि मिस यूनिवर्स कंपटीशन से एक रात पहले उन्होंने एक टूटे तारे को देखा और उन्हें तब ये विश्वास हो गया कि कंपटीशन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है उनके लिए। सुष्मिता खुद मानती है कि बचपन में उन्हें बहुत गुस्सा आता था, अब उन्हें कम गुस्सा आता है, पर जब आता है तो उनका भयंकर रूप निकल कर आता है। सुष्मिता को लिखने का बहुत शौक है और उन्होंने कई पोएम्स लिखी है। सुष्मिता गाती भी बहुत अच्छा है और पियानो और गिटार भी बजा सकती है। सुष्मिता 18 साल की थी जब वो एक क्लब में थी और तब एक आदमी ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें मिस इंडिया में हिस्सा लेना चाहिए। तब सुष्मिता ने अपना नाम 1994 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में लिखवा लिया, पर जब उन्हें पता चला कि ऐश्वर्या राय उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी तो वो अपना नाम कई लड़कियों की तरह वापस लेना चाहती थी। तब उनकी माँ ने कहा कि अंधों में काना राजा बनकर क्या फायदा, मजा तो तब है कि उससे कम्पीट करो जो तुम्हें सुंदर लगती है। फिर सुष्मिता ने अपना नाम कॉम्पिटिशन से नहीं हटाया। अब ये तो सब जानते हैं कि 1994 में सुष्मिता को मिली थी फर्स्ट पोजीशन, पर अनाउंसमेंट से पहले जब ऐश्वर्या को सेकंड प्लेस मिली तो सुष्मिता दुखी हो गई, ये सोचकर कि उन्हें सेकंड पोजीशन भी नहीं मिल पाई। पर जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो वो खुशी से झूम उठी। मिस यूनिवर्स जीतने के बाद उन्होंने अपनी एक क्लोथिंग लाइन शुरू की थी साउथ अमेरिका में, पर रिसेशन के बाद उनका वो बिजनेस ठप पड़ गया। सुष्मिता एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी और उन्हें लगता था कि पेड़ों के आसपास डांस करना इज फनी, पर फिर वो खुद एक्ट्रेस बनी और उन्होंने कहा कि जब आप कहते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान आपको वही करवाता है, पर फिर उन्हें एक्टिंग से प्यार हो गया। सुष्मिता जब 18 साल की थी तब से वो एक माँ बनना चाहती थी और फाइनली 24 साल की उम्र में उन्होंने रेने को किया अडॉप्ट। वो इंडिया की पहली सिंगल मदर थी जिन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया और ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट था उनके लिए। सुष्मिता सेन को स्मोकिंग की लत है। सुष्मिता सेन ने फ्रेंच भी सीखी है और वो काफी अच्छे से ये लैंग्वेज समझ लेती है। सुष्मिता की फर्स्ट जॉब थी डोर टू डोर वैक्यूम क्लीनर बेचना और वो तब सिर्फ 16 साल की थी और वो एक समर जॉब थी। सुष्मिता सेन को जानवरों से लगाव है और उनका पेट एक स्नेक भी था। सुष्मिता का दुबई में एक ज्वेलरी स्टोर है जो वो अपनी माँ के साथ मिलकर चलाती है। सुष्मिता की छोटी बेटी का नाम है अलीसा और वो काफी एक्सट्रोवर्ट है। सुष्मिता है एक फिटनेस फ्रीक और वो इंश्योर करती है कि उनकी बेटियां भी फिट रहे और करे वर्कआउट। सुष्मिता सेन अपनी लव लाइफ को लेकर काफी ओपन रही है और वो अपनी रिलेशनशिप्स मीडिया से नहीं छुपाती। सुष्मिता अपने करियर की शुरुआत में डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और क्योंकि वो मैरिड थे उनकी इमेज को काफी नुकसान हुआ और मीडिया से नाराज होकर सुष्मिता ने मीडिया को थोड़े टाइम तक बैन कर दिया था। कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा कि अब वो किसी भी मैरिड मैन को नहीं करेगी डेट। सुष्मिता सेन एक बहुत ही अच्छी टैरो कार्ड रीडर भी है। सुष्मिता को ट्रैवल करने का बहुत शौक है
पर एक बार उनका किसी दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट पर पासपोर्ट खो गया था और वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पर फाइनली थिंग्स वर्कड आउट। सुष्मिता सेन माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है और एक बार उनकी कमर में प्रॉब्लम थी और उन्हें वैष्णो देवी जाना था, पर डॉक्टर ने उन्हें चढ़ाई करने से मना किया। फिर उस रात उनके सपने में माँ दुर्गा दिखी और फिर उन्होंने ठान ली कि वो वैष्णो देवी जाएगी ही। और फिर जब वो वैष्णो देवी से वापस आई तब उनकी कमर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। सुष्मिता सेन एक टाइम पर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी और उसमें एक्ट भी करना चाहती थी, पर वो फिल्म शेल्व हो गई। पर रानी लक्ष्मीबाई की बायोपिक मणिकर्णिका में दिख रही है कंगना रनौत। सुष्मिता सेन अपने आप को फैशन लवर मानती है और उन्होंने आज तक कोई स्टाइलिस्ट हायर नहीं किया है।